जारी रखा, तो मतलब मदरसे में नहीं है, हमारे सदर साहब के घर में उस तालीम को जारी रखा। और हर हफ्ते में एक मरतबा जो है 4 बजे से 6 तक उनकी क्लास चलती रही, और वो बच्चे इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे और एक नज़म का एक एक्शन के साथ आपके सामने पर्दे के मुताबिक पेश करेंगे, आप देखें। और इंशाल्लाह यही बच्चे आइंदा साल यानी रमज़ान के बाद मुस्तकिल बड़ी लड़कियों का कोर्स शुरू होगा, और यही बच्चों का पहला साल होगा, यही बच्चों का पहला ग्रुप होगा जो 2 साल कोर्स इस मदरसे में मुकम्मल करेंगे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि अपनी बच्चियों को, जो बड़ी बच्चियां हैं जो कॉलेज पढ़ने वाली हैं, इसी तरह जो हाई स्कूल पढ़ने वाली हैं, ऐसी बच्चियों को भी ख्याल करें दीनी तालीम देने के बारे में, उसके बारे में फिक्र करें। इंशाल्लाह हमारा मदरसे का काम भी मुकम्मल हो गया है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह वहाँ पर मदरसा शुरू हो जाएगा। बस दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अब मैं उन बच्चियों को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना नज़म पेश करें। दो 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 दो
बाद फरहान अलमान दीनी मालूमात पर कुछ सवाल और जवाब पेश करेंगे। दीन के कितने शोबे हैं? दीन इस्लाम के 5 शोबे हैं। नंबर 1 अकाइद, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मुआमलात, नंबर 4 मुआशरत, नंबर 5 अखलाकियात। इस्लामी मुआशरत का बुनियादी उसूल क्या है? इस्लामी मुआशरत का बुनियादी उसूल यह है कि अल्लाह बंदों को दिल आजारी से बचाया जाए, क्योंकि तमाम बंदे अल्लाह के कुंबा है। अल-खल्क यारुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मोमिन पैरों का महल होता है। अखलाक़े हसना किसको कहते हैं? बातिनी खूबियाँ अखलाक़े हसना कहलाते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत का तरीका क्या है? अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का तरीका यह है कि अल्लाह जो जो अहसनात अपने ऊपर हैं उनके बारे में सोचें, उसके कमालात और इनामात को याद करें और शरीयत के अहकाम पर अमल करें और वलीउल्लाह की मोहब्बत दिल से निकाल दें। इल्म-ए-दीन किसे कहते हैं? अल्लाह के एक होने का यकीन रखना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उस पर ईमान रखना जायज नाजायज हलाल हराम नेकी बदी और हक पर बातिल को जानना, दुनिया की हकीकत और आखिरत की अहमियत को समझना, यही इल्म दीन कहलाता है। जज़ाकल्लाहु खैर।